चमोली में पुत्र दायनी के रूप में माता सती अनुसुईया देवी का 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त चंडी प्रसाद भट्ट ने रिबन काटकर इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया है। यहां ऐसी मान्यता है कि रात्रि जागरण से निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं इस 2 दिवसीय मेला में बड़ी संख्या में निसंतान महिलाएं पुत्र की कामना के लिए अनुसुईया मंदिर में रात्रि को जप तप कर जागरण करेंगे। वहीं इस मेले में आज दोपहर मंडल अनुसुईया गेट पर खल्ला और कठूड गांव की देव डोलिया पहुंची है, जहां पर लोगों द्वारा पूजा अर्चना के बाद उन्हें अनुसुईया मंदिर के लिए रवाना किया। साथ ही 2 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। एंड फाइनली आज हमें मौका मिला यहाँ आने का एंड काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है। पहली बार हम यहाँ मेरे अनुसुईया माता के दर्शन करने के लिए मिला है और श्रीमठ के धन्यवाद है। और यहाँ कॉलेज का श्रीमती देवी, मैं यहाँ मठ ही दर्शन देने वाली हूँ और यहाँ अनुसुईया माँ के दर्शन करने के लिए। आज यहाँ पर भक्ति शिरोमणि अनुसुईया माता की शुभारम्भ हो गया है और देव डोलियाँ जो है माता अनुसुईया के लिए प्रक्षालन कर चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है मार्षी शुक्ल पक्ष कि आज चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा है और कल दत्तात्रेय जयंती है और दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में है माता अनुसुईया का देवरी यात्रा माता अनुसुईया के मंदिर में पहुंचता है। यहाँ पर जो है मंडल घाटी में 9 गांव हैं